हेलो एवरीवन वेलकम टू अवी होप यू आर फाइन एंड यूंग वेल एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज प्रॉब्लम 2024 और जैसे कि पता है कि इसी कम अराउंड बारह से उन्नीस या बारह से बीस तक का जो स्लैब इस है इसी स्लैब में सिविल यू पी हर साल ये नोटिफिकेशन निकालती है जो ये पेपर देते हैं उनको ये मालूम होता होगा कि हाँ दिस इज़ द वीक नोटिफिकेशन आ जाती है बाहर So last time I think it was 17, 18, तो लास्ट टाइम आई थिंक इट वॉज सेवेंटीन एटीन तो इस बार फोर्टीन को ही आ गया है नोटिफिकेशन इसी वीक में आता है अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें एज सच तो जो फर्स्ट टाइम अपेयर करते हैं उनको ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़नी चाहिए देखना चाहिए और जो हर साल देते हैं लगभग जो जिनका दूसरा तीसरा अटैप्ट होता है उनको मालूम ही होता है चीज़ों के बारे में यहाँ कि कि, कितने तरह की या क्या क्या, क्या क्या इस पर चीज़ें हैं Which need to be अब, देखे, अब कुछ क्या है इंपॉर्टेंट चीजें जैसे किस इन एनी फील्ड फॉर्म फॉर दिस एक्सामिनेशन फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ द्लोजर विंडो क्लोजर ऑफ देशन ऑफ द विंडो कब है, for है? पांच तारीख को है तो पांच तारीख से छह तारीख से लेकर ये एक हफ्ता आपको मिल रहा है अगर आपने कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप अपलीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और आपको बाद में पता चल रहा है कि हाँ मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं या कुछ गलतियाँ भर दी हैं तो कुछ कॉलम्स में मैं मेड अ मिस्टेक तो दिस इज़ द टाइम विंडो ये हफ्ते का विंडो है जहाँ पर आप दोबारा साइट पर विजिट करके वो करेक्शंस कर सकते हैं कमीशन आपको ये टाइम पीरियड स्लैब दे रही है इन केस ऑफ कैंडिडेट वांट्स टू कैरी आउट एनीरी चेंज इन हज आर हर ओ टीआर प्रोफाइल ड्यूरिंग दिस पीरियड देन ही ऑर शी शु लॉग इन टू दी आर प्लेटफॉर्म बेसिकली वन टाइम रिजिस्ट्रेशन ओ टीआर मतलब वन टाइम रिस्ट्रेशन एंड डू दीडफुल अकॉर्डली इन अरवर्ड्स नो चेंज इन दी ओटीआर प्रोफाइल कैन बी मेड बाई विजिटिंग द विंडो ऑफ मॉडिफिकेशन एन फॉम ठीक है तो ये डेट को आप ध्यान रखना है कि अगर हो जाती हैं बहुत बार गलतियाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं और दिस इज इज टाइम यू कैन टू आर रिविजिट एंड नीडफुल करेक्शंस द कैंडिडेट्स विल नॉट भी अलाउड टू विदड्रॉ देर अपलिकेशन आफ्टर दिस सबमिशन ऑफ़ द सेम ठीक है सबमिट हो गया एक बार तो हो गया आप विद्रा नहीं कर सकते और एक बात मैं बता दूँ जिनको शायद बहुत कस्पैरेंट्स को ये चीज़ें मालूम नहीं होती है पाते उनको ये डर रहता है कि नाम फॉर्म भरनी है तो मेरा एक अटम्प्ट काउंट हो जाएगा ऐसा नहीं है फॉर्म भरने से आपका अटम्प काउंट नहीं होता है फॉर्म भरने के बाद एग्जामिशन वाले जिस दिन फिल्म की एग्जामिनेशन है जैसे यहाँ पर छब्बीस में है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लास्ट ईयर ये अट्ठाइस में था इस बार दो दिन जल्दी है तो छब्बीस में के दिन अगर आप सेंटर पे अपेयर कर रहे हो अपने एडमिट कार्ड के साथ और वहाँ पे आपकी एक, एक अटेंडेंस शीट होती है जो आपको अटेंडेंस लगानी होती है वहाँ पे आपको सिग्नेचर साइन करना होता कि है yes, कि यस आई वाज प्रेजेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन तब जाके वो कमीशन पर सबमिट होती है और ये काउंट होता है कि आपने एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट दिया है अगर आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं और अपेयर नहीं कर रहे हैं तो आपका काउंट नहीं होता लास्ट डेट फॉर रिसीव एप्लीकेशन फिफ्थ ऑफ मार्च ठीक है छह तारीख से बारह तारीख तक आपको करेक्शन का मौका मिल रहा है अब पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर शुड नोट दैट देर विल बी पेनल्टी ने कैंडिडेट इन दब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बेसिकली एमसीक्यू जैसे हम बोलते हैं तो आपको ओ एमआर शीट दी जाती है शीट में आप बेसिकली चार ऑप्शन होते हैं जिसे आप फिल करते हैं अब क्या है यहां पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग वन थर्ड वन थर्ड इज नेगेटिव मार्किंग वन थर्ड ठीक है वन थर्ड होता है नेगेटिव मार्किंग मतलब आप अगर एक क्वेश्चन तीन क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स चला जाता है अब पर क्वेश्चन इज टू मार्क्स तो अगर आपने एक दो तीन तीन क्वेश्चन गलत करें तो आपका एक सही जवाब जो होगा उसका मार्क्स खत्म तो हो जाता है नेगेटिव yeah. मार्किंग ये तो प्रॉब्लम की बेसिकली है नोटिफिकेशन बहुतों को ये नहीं मालूम होता है कि मेंस के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है ठीक है जैसे वर्ड लिमिट बहुत हर आंसर में अपने वर्ड लिमिट एक्सीड कर रखा है तो वहां पे आपको पिनल मार्किंग मिलता है मेंस के अंदर भी होती है ये चीजें ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पुट अब ये है यहाँ पे इस साइट पर विजिट करके आपने करना है फैसिलिटेशन काउंटर गाइडेंस फॉर ये सारी अगर आपने कुछ प्रॉब्लम है कुछ इफ़ यू आर फेसिंग एनी कंजेशन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी थनी थिंग रिगार्डिंग नोटिफिकेशन तो ये फ़ोन नंबर से यहाँ पे कॉल करना है यू पी बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है ठीक है आप कुछ भी फोन करते हो पूछते हो अगर मेल भी करते हो या फ़ोन करते हो तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और अगर किसी चीज़ में सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिक आप कमीशन को कॉल करें ठीक है अब ये सारी चीज़ें हैं गाइडलाइंस हैं इसको तो मैं फर्स्ट टाइमर्स को बोलना चाहता हूँ कि दोज विल बी अरपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज रीड दिस नोटिफिकेशन वेरी केयरफुली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ना जरूरी है ठीक है आपने क्या करना है क्या नहीं करना है इंस्ट्रक्शन इन फोटोग्राफ कैसे अपने अब देखो ये एक कॉलम है नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग की फोटोग्राफर सिग्नेचर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है थोड़ी। वैसे आप यू की फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर किसी और एग्जामिनेशन की फॉल फॉर्म कर रहे हो उनके मुकाबले इन जोक्सटा पोजिशन विध वेरियस अदर एग्जाम स्टेट एग्जामेशन और वेरियस अदर एग्जामेशन यूपीएससी इज़ वेरी मच लीनियंट है फॉर्म फिलअप कराने में सबसे लीनियंट यूपीएससी ठीक है, है? ज़्यादा परेशानी होती नहीं है तो फिर भी थोड़ी परेशानी अगर होगी तो आपको यहाँ पे होगी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने में तो उसके भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कितनी फोटोग्राफ आपके होनी चाहिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये सब आप ये सब कुछ ध्यान से पढ़ना है अपलोडेड कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन टेन डेज ओल्ड दस दिन से पुराना नहीं होना चाहिए टू स्टार्ट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ठीक है ये देखिए अब उन्होंने मैंशन कर दिया है तो आपने इसको करना है द कैंडिडेट शुड रीच वेन्यू एग्जामिनेशन टाइम दैन्यू एग्जाम पर आए टू द कमेंसमेंट ऑफ सेशन अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ऐसे भी एक्सपायरेंट्स हुए हैं मेरे आंखों के सामने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे आपने तैयारी करी है ठीक है मेहनत करी है और आप जिस एग्जामिनेशन के लिए सालों से तैयारी कर रहे हो उसी एग्जामिनेशन में आप लेट पहुँच रहे हो और आप एग्जामिनेशन दे ही नहीं पा रहे तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड क्लियरली इट इज मैं नोटिफिकेशन कि थर्टी मिनट्स पहले आपने आना और आप दस मिनट पहले पहुँचोगे दस पंद्रह मिनट पहले पहुँचोगे तो इन दैट केस जो स्कूल वाले जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है दे हैव द अथॉरिटी कि आपको एंटर करने आना दे वो और ऐसा हुआ भी है आपको एंटर करने नहीं मिलता और आपकी पूरी साल की जो मेहनत है वो वेस्ट हो गई एक साल निकल गया फिर अगले साल आपको वेट करना पड़ेगा तो फॉर लेम रीजन इतनी बहुत ही लेम रीजन के कारण आप एग्जामिनेशन पे एग्जामिनेशन पे बैठ नहीं पाओगे ठीक है इट इज क्लियरली मैं थर्टी मिनट्स पहले आपने आना है तो प्लीज टे टू अगर आपको लगता है कि आपका सेंटर कहीं दूर है या ट्रैफिक है या जाने में दिक्कत आएंगी है, जैसे मॉर्निंग में है संडे के दिन का पेपर होता है रश भी होती है तरह कि एक दिन पहले जाके देख के आए एक दिन दो दिन जब भी आपको टाइम मिल रहा है यू तो गो एंड विजिट वैसे आज के टाइम पे तो बोल सकते हैं कि मैप्स के जरिए से हम पहुंच जाते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि गूगल मैप्स भी ना कई बार चीजों को लोकेट नहीं कर पाती है और उस चक्कर में आप रहते हो और आप लेट हो जाते हो क्योंकि तो स्कूल पता नहीं कहाँ है कौन से सोसाइटी के अंदर है कौन से कॉलोनी में है गवर्नमेंट स्कूल जी होते हैं सारे सेंटर्स तो ध्यान से रखना इन चीज़ों को कि आप अगर पॉसिबल है तो पहले लोकेट कर लें ताकि जिस दिन आप जाएँ आपको एग्जैक्ट पता हो कि कितना टाइम आपको लग रहा है और कितने बजे आपने निकलना है और आधे घंटे पहले पहुंचने में कोई हर्ज नहीं है आधे घंटे पहले पहुंचने बट लेट मत पहुंचो ठीक है पूरे साल की मेहनत अभी ख़राब हो जाती है देखिए गवर्नमेंट टाइप टू हैव वर्कफोर्स वर्क फोर्स जेंडर बैलेंस टू अप्लाई अब ये देखिए प्रीलिम्स का जो डेट है एग्जामिनेशन का वो बेसिकली छब्बीस मई है यहाँ पे देख सकते हैं है, ट्वेंटी मैंने पहले आपको कहा ये लास्ट ईयर ट्वेंटी एट्थ में अट्ठाईस मई को था इस बार छब्बीस मई को है अब ये सारे पोस्ट हैं आप देख सकते हैं इसके लिए, आप, <coughs> लिए आप है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग अब जिसके लिए सीट्स टोटल वैकेंसीज <coughs> नोटिफिकेशन इज फॉर थाउजेंड फिफ्टी सिक्स एक हजार छप्पन लोगों की नोटिफिकेशन है अब एक हजार छप्पन है लास्ट ईयर से कंपेयर अगर हम करें तो सीटें यहाँ पे कम हो गई है फिफ्टी सीट्स ठीक सीट है सीटें कम हो गई है अब जो रिजर्व कैटेगरी के हैं अब देखिए यहां पे एक चीज और जो फिजिकलीजेबल्ड कैटेगरीज है तो कितनी disability की कितनी vacancies और कितनी disability में ये देखिए कौन से कौन से कौन क्या क्या कंसिडर किया जाएगा कितना परसेंट डिजेबिलिटी या किस तरह की डिजेबिलिटीटली ठीक है इसको ध्यान से पढ़ें जो इस कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे ठीक है ठीक है क्या बोला जा रहा है इट नाउ वी कम बैक टू सेंटर कहां पे बेसिकली हर स्टेट में ये पेपर होता है सेंटर फॉर सर्विसेज पेपर होंगे लगभग सारे स्टेट्स में होते ही हैं यूटी में भी होते है, सारा, first apply, first भी हैं सारा इट एवरी ठीक है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट मतलब कि जो पहले उस सेंटर पे अलॉट करेगा उस शहर को अलॉट करेगा या उस सिटी को या उस स्टेट को अलॉट करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये उनका कहना है जो पहले, जिसकी नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी उसको पहले दिया जाएगा उसको पहले वो जगह दिया जाएगा जहां पे उसने अप्लाई किया हुआ है नॉट विस्टैंडिंग प्रोविजन द कमीशन रिजर्व राइट टू चेंज एट इट डिस्क्रिप्शन मतलब नॉट प्रोविजन मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सेंटर कर दिया और आपको पहले अलर्ट हो गया है तो कमीशन उसे चेंज नहीं कर सकता कमीशन बिल्कुल चेंज कर सकता है अगर उसकी डिस्क्रिप्शन है और सिचुएशन की डिमांड है तो ठीक है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स फिर उसके बाद मेंस बाद इंटरव्यूज होते हैं अब एलिजिबिलिटी कौन कौन ये पेपर दे सकता है ठीक है इसको ध्यान से पढ़ना है जैसे आई एस की जो है फॉरन सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज के कैंडिडेट मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा किसी को नहीं मिल सकता है फॉर अदर भूटान मतलब आई एस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉरेन सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिल सकता है बाकी अदर सर्विसेज जो जो लिस्ट है ऊपर हमने जो देखा उसके लिए भूटान टिबन रिफ्यूजी ये सारे जो कैटेगरीज हैं ठीक है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका कंट्रीज और कंट्रीज ऑफ केनिया युगांडा ये सारे विद द इंटेंशन ऑफ इनको भी ये मिल सकता है ठीक है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये लिखा हुआ है एज लिमिट क्या है ये तो सबको मालूम ही है ट्वेंटी एस सी एस टी के लिए एज लिमिट नहीं होती है एस सी एस टी के लिए एज लिमिट होती थर्टी सेवन इज द एज लिमिट ठीक है अपर एज लिमिट पर रिलेक्सेबल फाइव ईयर इन कैंडिडेट इज एस सी एस टी थर्टी टू प्लस फाइव थर्टी सेवन हो गया फिर मैक्सिमम ऑफ थ्री ईयर्स इन केस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास मतलब वो बी सी मतलब थर्टी टू प्लस थ्री थर्टी फाइव हो गया अप टू थ्री ईयर इन द केस ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल सर्विसंस ड्यूरिंग अप टू थ्री ईयर्स उनके लिए भी है जो डिफेंस पर्सनल सर्विसेज पर्सनल है मतलब थर्टी फाइव उनके लिए भी हो गए वो भी दे सकते हैं अप टू अ अक्सिमम फाइव ईयर इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर फाइव ईयर्स एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स स मिलिट्री सर्विसेस एज ऑन ऑवस्ट मतलब इनके लिए पांच साल मतलब दिस इज डन ये मेनली आप देख सकते हैं क्या है अपटू टेन ईयर्स इन द केस ऑफ पर्सन बिलोंगिंग विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज कोई बड़ी डिजेबिलिटी है तो दस साल उसके लिए मतलब उनके लिए फोर्टी टू ईयर्स ठीक है कोई पर्सन ऐसा है जो एस सी एस टी और ओबीसी है और साथ साथ एक्स सर्विसमैन भी है ठीक है विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ क्यूमुलेटिव एज रिलेक्शन मतलब दोनों कैटेगरीज को दोनों को कर सकता है वो ठीक है क्यूमुलेटिव एज रिलेक्शन अंडर बोथ कैटेगरीज क्यूमुलेटिव दोनों को मिला के ठीक है क्यूमिटिव तो दिस इज मेनली इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स का ये तो पता है बट कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखना है जैसे कि सेंटर टाइम से पहुंचिए ठीक है, है ऐसा नहीं है दस मिनट पहले पहुँचना है इट इज़ क्लियरली वन मैं थर्टी मिनट्स पहले पहुँचना तो थर्टी मिनट्स पहले पहुंचिए वरना आपकी पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है ठीक है दूसरी बात फॉर्म को सही से फिल करिए अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो जो विंडो है छह तारीख से बारह तारीख के जो विंडो है आप उस विंडो पे अपने करेक्शंस गो गो <laughs> को मैं बोलना ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस है इंस्ट्रक्शन रीड इट वेरी केयरफुली ठीक है तो मोटे मोटे तौर पे दिस वाज ऑल आई वांटेड टू नो i already wanted to say, and for the aspirants who have been preparing for this examination from a couple of years, who have been putting in labor for a couple of years or more years, best of luck to all of them. And the first time aspirants who will be appearing for the first time, just have faith in yourself. Okay, now it's the time. व फुल कन्विक्शन विद इन यूर से ठीक है कॉन्फिडेंट रहिए और प्रैक्टिस एज मच एम सी क्यूज एज मच यू कैन टिल द एग्जामिनेशन इतना ज्यादा हो सके एम सी क्यूज प्रैक्टिस करिए क्योंकि अटेम्प्ट ओरटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाव एड एज पेपर जिस तरह से आ रही है यू विल हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ एम सी क्यूज बिफ्योर अपियरिंग इन द मेन पेपर टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज प्ले इज द मोस्ट वाइटल रोल टेस्ट सीरीज से ही आपकी कंसेप्ट होगी होगी होगा इस सब कुछ टेस्ट सीरीज होगी अगर टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज आप लो ठीक है हमारी टेस्ट सीरीज अगर आपने लेनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इट्स अ वेरी होलिस्टिक टेस्ट सीरीज मेड बाय द एक्सपर्ट एक्सपर्ट्स ऑफ मोर देन ट्वेंटी ईयर्स और बिल्कुल चेंजिंग जो ट्रेंड है सिविल सर्विसेज का उसी ट्रेंड पर पूरी टेस्ट सीरीज का पैटर्न है तो यू कैन विजिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन अवेल द टेस्ट सीरीज और एल्स कोई भी टेस्ट सीरीज आप लीजिए लेकिन प्लीज डू प्रैक्टिस क्योंकि एक साल आप पढ़ रहे हो उस पढ़ने की प्रलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है होगी तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है टेस्ट सीरीज प्ले इज़ द मोस्ट वाइटल रोल ठीक है तो दिस इज ऑल आई वो टू से थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू थैंक यू